तो सर्वे मुजब मध्यप्रदेश विधानसभा चूंटणीना परिणाम में भाजप अने कोंग्रेस वच्चे रसाकसी थवाना आसार जोवा मळी रह्या छे, जो कि एक्झिट पोलना तारणों मुजब बन्ने पक्षों ने मळनारी बैठकों में थोड़ू ज अंतर जोवा मळी रह्युं छे। भाजप ने कोंग्रेस करता थोड़ी वधु बैठकों मळी शके छे, जेना कारणे राज्यना चूंटणी परिणाम में भारे रसाकसी जोवा मळी शके छे। मध्यप्रदेश में अगाउ 2018 में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सर्जाई थी, जेमां सौथी वधु बैठकों मेळवनार कोंग्रेसे बीएसपी एसपी अने अपक्षों समर्थन थी राज्य सरकार बनावी हती। जो के त्यारबाद ज्योतिरादित्य सिंधियाए कांग्रेस में बढ़वो करी पोताना समर्थक धारासभ्यों साथे भाजप में सामेल थता कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 महीना में पड़ी भांगी हती। ज्यारे 2013 नी चूंटणी में भाजपनी बहुमती साथे जीत थई हती। मध्यप्रदेश में बहुमती बढ़ावानो आंकड़ो 116 छे। मध्यप्रदेश की चूंटणी में मुख्य मुकाबलो सत्ताधारी पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजप वच्चे मानवामां आवे छे। आ बंने पक्षों में घणा शक्तिशाली नेताओं चूंटणी लड़ा है, तेमांथी 5 चेहरा एवा छे जेमना पर आखा देश की नजर छे। आ चेहराओमां शिवराजसिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरेन्द्रसिंह तोमर, प्रहलादसिंह पटेल, फग्गनसिंह फुलस्ते, वीडी शर्मा जेवा मोटा नेताओनो समावेश थाय छे। तो न्यूज 24 चाणक्य एक्झिट पोल छे, भाजप ने 149 થી 164, કોંગ્રેસે 62 થી 84 અને 1 થી 9 મળી શકે છે। પોસ્ટેટ એક્ઝિટ પોલ છે, ભાજપને 106 થી 16, કોંગ્રેસને 111 થી 121 અને ને 0 થી 6, જ્યારે કે આતક એક્ઝિટ માને ઇન્ડિયા એક્ઝિટ પોલ ભાજપ 36 થી 46 બેઠક જીતી શકે છે। એબીપી સી વોટરનો એક્ઝિટ પોલ ભાજપને 88 થી 112, કોંગ્રેસને 113 થી 137 બેઠક મળી શકે છે। જનકી બાતનો એક્ઝિટ પોલ છે, ભાજપ 102 થી 125, કોંગ્રેસ 100 થી 123 અને એને 0 થી 5। આત્મવિશ્વાસ સે ભરા રહા ઓર મને સદૈવ કહા કે જો એક્ઝિટ પોલ કહે રહા હૈ વો લગભગ જન ભાવનાએ હૈ ઓર હમ ભારી બહુમત સે જીતેંગે। ક્યા લગતા હૈ લાડલી બહેના કા કમાલ હૈ કે देखो, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से,